بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما صدق الله العظيم. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इनवेरियंस विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ एक्सिस. ठीक है, पहले मैं आपको बेटा बता देता हूँ इनवेरियंट या इनवेरियंस का मीनिंग क्या होता है, जो जर्नल मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग है. जहां कहीं भी टर्म आ जाए इनवेरियंस की मैथमेटिक्स के अंदर, तो बेटा इसका यही मीनिंग लिया जाता है कि एन इनवेरियंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विच रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन टाइप अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो मतलब कहने का कि इनवेरियंस या इनवेरियंट मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी है और जो कि अनचेंज्ड रहती है आफ्टर अप्लाइंग any transformation or operation on that object. Okay? तो अब यहां पे जो बात कर रहे हैं invariance with respect to rotation of axis के, ठीक है, तो वो क्या होगी. अभी बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि previous जो topic है एक यहां पे जो मैंने अभी skip किया है वो translation और rotation का है, और उसमें क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है इस वजह से मैं उस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहा डिटेल में. मैं जस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें इस टॉपिक में यूज होंगे सिर्फ उसी को डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें समझ आ गई है बात की कि इनवेरियंस या इनवेरियंट क्या होता है. तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, कंसिडर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के एंड के डैश हैविंग द सेम ओरिजिन ओ बट ओ विद एक्सिस rotated with respect to each other as shown in the figure 7.8. ठीक है, तो ये 7.8 फिगर शुरू में बच्चों जो है वो ये बताई गई है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं. वही डायग्राम जो के k और k डैश में डिनोट करते हैं, जिसमें x1 एक्सिस होता है, x2 एक्सिस होता है, x3 एक्सिस होता है, x- एक्सिस, x2 डैश एक्सिस और x3 डैश एक्सिस. ठीक होता है, लेट दिस एंड दिस be the coordinates of any of an arbitrary point P in the system K and K dash respectively. ज़ाहरी बात है students कि ये जो point होगा वो system K के अंदर होगा, कोई भी point P ले लिया, और ये जो point होगा dash वाला वो K dash system के अंदर होगा, कोई भी point P लिया in systems के अंदर. And phi be the value of the scalar point function phi at P in the system K. तो वो कह रहा है कि students फाई जो है कोई वैल्यू है स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई की पॉइंट पी के ऊपर सिस्टम के अंदर. ठीक है, और फाई डैश बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द सेम पॉइंट इन द सिस्टम के डैश. तो इसी तरह से हम कहते हैं फाई डैश भी एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, एट पी इन द सिस्टम के डैश. तो ये के डैश सिस्टम के अंदर हमने इसी तरह स्केलर पॉइंट फंक्शन लिया, इसी तरह हमने के सिस्टम के अंदर स्केलर पॉइंट फंक्शन लिया एट पॉइंट पी. ठीक है, अब हम बताना चाह रहे हैं इनवेरिएंट. इफ फाई एंड फाई डैश वेयर दिस एंड दिस आर रिलेटेड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 2 और 3 ऑन पेज 405 एंड 406 देन फाई इज कॉल्ड एन इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आर रोटेशन ऑफ एक्सिस. ठीक है, तो वो ये कह रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि अगर हमारे पास फाई इक्वल टू फाई डैश के हो, ठीक है, और वो हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हमने 2 और 3 पढ़ी थी पेज नंबर 405 और 406 के ऊपर. ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट हम देखें अगर फाई को और फाई डैश को, ठीक है, तो वो इनवेरिएंट होगा विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशन ऑफ एक्सिस. ठीक है, अब सिमिलरली एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, इनवेरियंट होगा विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ एक्सिस. अब रोटेशन ऑफ एक्सिस भी हमने टॉपिक नहीं डिटेल में पढ़ा, मैं सिंपली यहाँ पे बात आपसे यही कर रहा हूँ कि रोटेशन ऑफ एक्सिस जो है वो उसके अंदर हम बात कर रहे हैं. ठीक है, रोटेशन ऑफ एक्सिस, सॉरी, ये हमने हमने जो बात पढ़ी थी बच्चों वो हमने ऑर्थोगोनल एक्सिस पढ़ा था, रोटेशन ऑफ एक्सिस हमने डिस्कस नहीं किया. तो यहाँ पे बात वही कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक स्केलर एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो इनवेरिएंट होगा रोटेशन ऑफ एक्सिस के अंदर,
आपको सिंपली अब जब जस्ट बच्चों यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी रोटेशन एक्सिस में कैसे वर्किंग होती है, कि कौन सी फॉर्म से हम वेक्टर को रोटेट कर सकते हैं, वो भी डिस्कस नहीं किया, ठीक है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो अभी फिलहाल सिर्फ मैं आपको इनवेरियंट समझाना चाह रहा हूँ, तो आपने भी सिर्फ इनवेरियंट के सेंस में इस चीज को समझना है कि एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो है वो इनवेरियंट होगा रोटेशन ऑफ एक्सिस के अंदर, इफ अगर क्या हो वेक्टर ए और उसका जो डैश वाला सिस्टम के अंदर और के डैश के अंदर, दिस विल बी ट्रू इफ अगर उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं मतलब उसके ए वेक्टर के तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक E1, E2 और E3, ठीक है, और इसी तरह से डैश वाले के अंदर भी ऐसे ही होंगे, E1 डैश, E2 डैश और E3 डैश। मतलब अगर E1 इक्वल टू आ जाए E1 डैश के, E2 इक्वल आ जाए E2 डैश के, और E3 का जो कंपोनेंट है X1, X2, X3 वो इक्वल आ जाए X1 डैश, X2 डैश और X3 डैश के, तो देन वी कैन से दिस वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए इज इन इनवेरियंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मैंने 405 और 406 पे कह रहा हूँ वो मैं दिखा देता हूँ आपको, वो आप यहाँ पे देख लें ताकि आपके लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। बच्चों ये टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनती है एक्स जे डैश इज इक्वल टू एल जे आई एक्स आई। तो बच्चों ये हमारे पास जो है इक्वेशन है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो कि हमने ओबटेंड की है बाय यूजिंग दिस प्रोसेस कि आर डैश को इक्वल हमने आर के कहा, ठीक है, और देन वहां से हमने ये चीज ओबटेंड की। तो बच्चों यहाँ पे अब इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को सिंपली आपने याद रखना है क्योंकि ये आगे जाके रिलेशंस के अंदर यूज हो सकती है आपके, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इसको किस तरह आपने याद रखना है। बेटा एल हमारे पास एल जे आई, आपको ये पता है कि इसकी डेफिनेशन ये क्या होती है, इसमें जे जो है वो डैश वाले सिस्टम से आ रहा है और आई जो है, अब मैं सिस्टम की अगर बेटा बात करता हूँ तो वहां पे वो के सिस्टम हो सकता है या फिर के डैश सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एल जे आई की बात कर रहा था कि जे वाला जो है वो डैश वाले सिस्टम से आ रहा है और आई जो है वो हमारे पास डैश के बगैर सिस्टम से आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोट करें कि आई हमारे पास यहाँ पे डिमी इंडेक्स है और जे हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्री इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये होते हैं सॉल्व तो वहां से रिजल्ट क्या निकलता है, जो हमारे पास फ्री इंडेक्स है ना वो यहाँ पे आता है और वो डैश में आता है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स रिमाइंड करें कि जिस तरह मैंने आपको एक एल का फॉर्मूला बताया था डेल्टा के रिस्पेक्ट प्रीवियस लेक्चर में, इसी तरह देखें यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स बोला था आपको कि अगर हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है कि डेल्टा आई के नोकल डेल्टा जे के, ये अगर हमारे पास है तो वहां से रिजल्ट क्या बनता है। मैंने बोला था कि के यहाँ पे डिमी इंडेक्स है जो 2 टाइम्स आ रहा है और आई और जे फ्री है, तो यहाँ पे सिर्फ फ्री इंडेक्स आ जाएंगे फॉर्मूला में, ये आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। और इसी तरह मैंने आपको एल के अंदर भी बताया था, मतलब डायरेक्शन कोसाइन के अंदर भी बताया था कि अगर आई जे यहाँ पे आ रहा हो इंटू एल के जे आ रहा हो, ठीक है। तो अब इस केस में आपने आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, तो इस केस में भी आपके पास यही रिजल्ट बनेगा डेल्टा, क्योंकि जे यहाँ पे डिमी इंडेक्स है और आई और के यहाँ पे आएगा। ये प्रूफ कैसे करते हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन आपको ये याद जबानी होना चाहिए फार्मूला ताकि आप जब क्वेश्चन के अंदर या MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आए तो आपको जो है वो कुछ चीज पता हो, ठीक है। तो जो आपने डेल्टा में कर्नोकर डेल्टा और इंटू कर्नोकर डेल्टा में आपने थ्योरम पढ़ा था वही थ्योरम जो है वो इसी तरह जो है वो डायरेक्शन को साइंस के अंदर भी यूज हो रहा है। अब इसी तरह जो मैं यहाँ पे बात बताना चाह रहा था कि आपने एक थ्योरम जो है वो स्टूडेंट्स कर्नोकर डेल्टा में और पढ़ा था, सॉरी इसमें शुरू में थ्योरम पढ़ा था वो ये पढ़ा था आपने कि कर्नोकर डेल्टा आई जे जब मल्टीप्लाई होता है, किरणोत्तर डेल्टा आई जे स्टूडेंट्स जब मल्टीप्लाई होता है ए जे के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जे डिमी इंडेक्स है और आई फ्री है,
तो जो आंसर आता था वहां पे, जो डिमी को छोड़ देते थे, आई फ्री आ जाता था यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर ऐसे मतलब डेल्टा नहीं आता था, बल्कि जो फ्री इंडेक्स था वो आता था, और साथ जो ए वाला लिखा था तो वो आता था, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे जो है बोले, आपने एल वाले में रिजल्ट याद रखना है कि अगर एल जे आई हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा हो एक्स आई के साथ, तो वहां पे आई हमारे पास जो है डिमी इंडेक्स है और जे फ्री इंडेक्स है, ठीक है। तो उस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा यहाँ पे वो बनेगा एक्स में आएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है वो आ जाएगा एक्स डैश में, और साथ जो है वो हमारे पास फ्री इंडेक्स वो जे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस सेंस में आपने इसको भी इसको याद रखना है, ये तो आपको याद है ना ऑलरेडी, ये वाला ऑलरेडी याद है। तो इसी सेंस में आपने स्टूडेंट्स जो है वो इसको भी याद रखना है कि जो डेल्टा के फार्मूलाज थे जैसे, तो उसके से मिलते जुलते ही फार्मूलाज जो है वो डायरेक्शन को साइंस के भी स्टूडेंट्स हमारे पास है, ठीक है। तो इस केस में याद रखोगे तो आपको याद रहेगा स्टूडेंट्स ये सारा कुछ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब इसकी बात हो रही थी कि ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, तो इस पे अगर हम क्या करें कि इसके अंदर अगर हम एक्स डैश के अंदर सिस्टम के अंदर या फिर के सिस्टम के अंदर के डैश और या के सिस्टम के अंदर के डैश सिस्टम के अंदर अगर हम जो है वो एक पॉइंट लें, स्केलर पॉइंट लें, ठीक है, तो उसके आंसर्स में कोई फर्क नहीं आता आफ्टर अप्लाइंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये आपको याद रखना है वैसे भी कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट में जो इक्वेशन आती है वो ये बनती है, ठीक है। और अगर हम इसका और आगे जाके इसी की जो है वो इसको मजीद जब ओपन करते हैं इसी इक्वेशन को, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते इसमें लिखते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन ओपन होती है, ठीक है। ये आप जरा नोट करेंगे इसको तो समझ आ जाएगी आपको बच्चों। तो यहाँ पे जे हमारे पास और ठीक है, यहाँ पे जे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। इसको आप पहले यहाँ पे देखें जरा, आपने जे को अगर पहले वन कहा, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है ये अगर पूरे एक्सप्रेशन के अंदर देखें तो जे हमारे पास डिमी बन जाता है बाद में, और आई भी हमारे पास डिमी बन जाता है। तो पहले आप क्या करते हो, जे को वन रखते हो, ठीक है। तो जे को वन रखोगे बच्चों यहाँ पे, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, इसी तरह यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री। इसी केस में आप जो है वो आगे जब इसको एक्सटेंड करते हो तो आई भी लिखते हो, तो आपके पास डबल सम में आपके पास ये चीज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को आप जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हो तो वो इस तरह लिख सकते हो कि लेफ्ट साइड पे आप जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री डैश डैश लिख लिया, और फिर एल वन वन, एल वन टू, एल वन थ्री, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखती है। यहाँ से देखें ये जो हमारे पास एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री के साथ कॉफिशेंट्स आ रहे थे उनको लिखा, फिर आगे एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री कॉफिशेंट्स में लिख लिया। तो इस तरह हम इस ट्रांसफॉर्मेशन से हम जो है वो ये इक्वेशन भी मैट्रिक्स फॉर्म भी बना सकते हैं। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अंदर क्या होगा, सिंपली फर्क स्टूडेंट्स यही आएगा कि इक्वेशन में इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कि यहाँ पे एक्स जे जो डैश था वो डैश वाला इधर आ जाएगा और एक्स आई इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एक्स आई इधर आ गया और एक्स जे डैश वाला इधर आ गया, सिंपली ये देखिए, ठीक है। तो वो इनवर्स में आ जाएगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन आती है वो ये है। तो ये दो इक्वेशन आपने बच्चों याद रखनी है सिंपली। तो ये बनती कैसे है वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा, तो इसी से फिर आगे, इसी इक्वेशन से आगे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम जो है वो ये आगे मैट्रिक्स फॉर्म और जो है वो अलजेब्रिक फॉर्म उसकी बना लेते हैं, ठीक है जी। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारा इनवेरियंस, समझ आ गया ना। अब बच्चों ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपने एक और पॉइंट यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि हमारे पास ये जो एक्स वन स्केयर प्लस एक्स टू स्केयर प्लस एक्स थ्री स्केयर विच इज इक्वल टू एक्स आई इंटू एक्स आई, ये इनवेरियंट है अंडर अ रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस के रिस्पेक्ट ये जो है वो इक्वेशन जो है वो इनवेरियंट है। अभी प्रूफ में मैं नहीं जा रहा, सिर्फ एमसीक्यूज के तौर पर इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बच्चों आ रहा है कि थ्योरम है, ये छोड़ दें थ्योरम। अब लैप्लासियन ऑपरेटर आपको पता है ये क्या होता है, नेबुला स्केयर, ठीक है। और प्रूफ दैट द लैप्लासियन ऑपरेटर दिस इज इनवेरियंट अंडर अ रोटेशन ऑफ एक्सिस,
ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि लाप्लासियन ऑपरेटर भी जो है वो इनवेरिएंट होता है अंडर द रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सिर्फ इसके रिजल्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चीज आ रही है वो ये है कि दी अल्टरनेटिंग सिंबल, जिसको बोलते हैं एप्साइल आई जे के। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सिंबल को हम जो है वो पहली बार डिनोट करते हैं एप्साइल आई जे के साथ, डिफाइंड एज। वो किस तरह डिफाइंड होगा तो बच्चों ये देखिए जरा, हमारे पास आई जे के इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ 1 2 3। ठीक है, अब अगर आई जे के हमारे पास साइक्लिक परम्यूटेशन में है, अब पहली बात है कि परम्यूटेशन किसको कहते हैं बेटा। परम्यूटेशन आपने सेकंड मैथमेटिकल मेथड में सेकंड चैप्टर के अंदर, ग्रुप के चैप्टर के अंदर आपने परम्यूटेशन पढ़ा हुआ है कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन जो कि सेट एक्स टू इटसेल्फ होता है, मतलब सेट एक्स टू सेट एक्स होता है, तो उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। और साइक्लिक परम्यूटेशन की स्टूडेंट्स आपने पढ़ी होगी वहां पे कि वो भी क्या होती थी कि हमारे पास इस तरह अगर कोई अल्फा ऑब्जेक्ट्स है तो हम लिखते थे कि अगर अल्फा वन अल्फा टू अप टू सो ऑन अल्फा एन तक है, तो ये इसका जो जब हम अल्फा वन को ऑपरेट करते हैं अल्फा के ऊपर, तो वहां से रिजल्ट क्या बनता है, नेक्स्ट रिजल्ट बनता है। ठीक है, अल्फा टू, इसी तरह अल्फा टू या फिर क्या बनता है अल्फा टू, इसी तरह अगर अल्फा टू पे ऑपरेट करते हैं इस अल्फा को, वहां से रिजल्ट क्या बनता है अल्फा थ्री। ठीक है, अल्फा थ्री, तो मतलब कहने का कि अल्फा वन का इमेज जो आ रहा है अल्फा टू, मतलब नेक्स्ट इमेज आ रहा है अल्फा टू का इमेज क्या आ रहा है, इससे नेक्स्ट जो अल्फा टू का वो एक्स अल्फा थ्री आ रहा है, इसी तरह अप टू सो ऑन अल्फा एन का इमेज आ रहा है यहाँ पे अल्फा एन प्लस वन। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स साइक्लिक परम्यूटेशन थी। तो यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि अगर हमारे पास साइक्लिक परम्यूटेशन में है, जिसने सर्कल बना के बताया भी हुआ 1 2 3। ठीक है, अब साइक्लिक परम्यूटेशन में वो बता रहा है कि जैसे ये क्लॉकवाइज है, तो अगर हमारे पास आई जे के इस तरह फॉर्म में लिखे हुए, मतलब क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखे हुए साइक्लिक परम्यूटेशन की फॉर्म में, मतलब जब वन पे ऑपरेट होता है तो टू आ जाए, टू पे ऑपरेट होता है तो थ्री आ जाए। ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा आप वन लिखोगे। और अगर हमारे पास स्टूडेंट्स एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन है, मतलब 1 2 3, मतलब कहने का कि एंटी साइक्लिक मतलब कि अब यहाँ पे ये जो है 1 2 3। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे आई जे के में, हमारे पास आंसर जो है बेटा वो -1 आएगा। और अगर एनी टू ऑफ आई जे के आर इक्वल, अगर हमारे पास कोई भी आई जे के में से एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो उसको हम आंसर 0 लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बच्चों आपने जेहन में रखने हैं जो कि अल्टरनेटिंग सिंबल के हैं। अब उसने आगे एग्जांपल भी देके बताया हुआ है कि एप्साइल 1 2 3, एप्साइल 2 3 1। देखो पहले एप्साइल 1 2 3, ठीक है, ये जो एंटी क्लॉकवाइज में लिखा हुआ है। ठीक है, एप्साइल बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे बात तो नहीं कर रहे लेकिन यहाँ पे साइक्लिक परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तो वो इस तरह लिखा हुआ है कि अगर 1 2 3, इसी तरह फिर अगर स्टार्ट कर लें 2 3 1 या स्टार्ट कर लें 3 1 2, तो मतलब कहने का कि यहाँ से जब इस तरह की परम्यूटेशन लिखी होगी तो उसमें आंसर आपके पास जो है 1 आएगा। और अगर हमारे पास जो है वो लिखा हो जैसे कि 3 2 1, यहाँ पे पहले क्या था 3 1 2, ठीक है, मतलब एक साइकिल के फॉर्म में था, अब यहाँ पे साइकिल नहीं बल्कि उलट है 3 2 1। ठीक है, लिखा हो या लिखा हो 2 1 3 या लिखा हो 1 3 2, ठीक है, तो उस सूरत में आंसर हम जो है वो बोलेंगे -1। ठीक है, तो ये किसके नीचे लिखा होना चाहिए, ये सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए या इसको सुफिक्स के अंदर होना चाहिए, किसके एप्साइल के सुफिक्स में अगर ऐसा हो तो हम जो है वो वहां पे रिजल्ट्स लिखते हैं 1 और -1। ठीक है, 1 लिखते हैं जब साइक्लिक परम्यूटेशन हो और एंटी साइक्लिक हो तो वहां पे -1 लिखते हैं। और अगर यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे आ गया 2 2 3 या 1 3 1 या 3 1 3, तो बच्चा बच्चों उस सूरत में आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, इस तरह प्रश्न चलता जाएगा। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन अल्टरनेटिंग सिंबल एंड कैनोनिकल डेल्टा। अब ये बच्चों यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि ये चीज है हमारे पास, प्रूफ करना है आपने एप्साइल आई जे के एप्साइल एल एम के। ठीक है, ये एप्साइल आई जे के और एप्साइल एल एम के, ये इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से आंसर बनता है डेल्टा आई एल डेल्टा जे एम। बेटा इसको अब याद रखने के लिए देखना है आपने जरा,
आई के साथ पहले आपने एल लगाना है, फिर उसके बाद जे के साथ आपने बच्चों एम लगाना है, ठीक है। ये के जो है बच्चों यहाँ पे ये डिमी आ रहा था, तो इसको आपने काट देना है, डिमी वाले को काट देना है। बाकी लिखना कैसे है, पहले आई के साथ एल लिखना है डेल्टा के अंदर, फिर आई के साथ फिर जे के साथ आपने एम लिखना है डेल्टा के अंदर, ओके। तो फिर माइनस लिखोगे बच्चों आप, फिर उलट कर दोगे थोड़ा सा। आप उलट क्या करोगे, आई के साथ पहले एल लिखा था, अब लिखोगे एम, और फिर जे के साथ अब लिखोगे आप एल, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी डेल्टा के अंदर। तो यहाँ पे ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिंग सिंबल के रिस्पेक्ट, कि हम जो है वो किस तरह एप्साइल को, दो एप्साइल को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से ये किस तरह ऑब्टेंड करते हैं। याद कैसे रखना है बच्चों, कि अगर हमारे पास एक डिमी इंडेक्स हो और बाकी फ्री इंडेक्स हो, एल एम और आई जे, तो उस सूरत में हमने मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं, ये मैं को याद रखने का तरीका कर बता रहा हूँ। आई को पहले एल के साथ लिख लेना है डेल्टा के अंदर, फिर जे को एम के साथ, और बाद में माइनस और फिर उलट कर लेना है, आई को एम के साथ और जे को एल के साथ, ठीक है। तो इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मैं इसका थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ प्रूफ के अंदर भी, कि प्रूफ इस तरह किस किस तरह किया हुआ है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, वी नो डैट के ई क्रॉस ई वन क्रॉस ई टू विच इज इक्वल टू ई थ्री, या आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, ई वन क्रॉस ई टू विच इज इक्वल टू ई थ्री, ई टू क्रॉस ई टू क्रॉस ई थ्री विच इज इक्वल टू ई वन, एंड ई थ्री क्रॉस ई वन इज इक्वल टू ई टू, ठीक है। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग सिंबल वी कैन राइट इक्वेशन वन एज, तो हम इक्वेशन वन को किस तरह लिख सकते हैं, कि अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि हमारे पास बच्चों ई आई क्रॉस ई जे डॉट ई के, ठीक है। मैंने इक्वेशन वन जो थी, ये तीनों जो इक्वेशंस की, इनको मैंने स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिख लिया, ई आई क्रॉस ई जे डॉट ई के, ठीक है, विच इज इक्वल टू एप्साइल आई जे के, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में मैंने लिख लिया इसको, ई आई क्रॉस ई जे डॉट ई के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो ये थी, ई एप्साइल आई जे के एप्साइल एल एम के, तो वो लिखा पहले हमने। अब हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एप्साइल आई जे के, ठीक है, एप्साइल आई जे के, इसका आंसर अभी मैं बता के हटाऊँ शुरू में पहले आपको, कि वो ये आपने लिखना है, वो क्या लिखोगे, ई आई क्रॉस ई जे डॉट ई के, ठीक है। और इसी तरह से आप अगर एल एम के आ जाए यहाँ पे, अगर एल एम के आ जाए, मतलब के वैसे ही यहाँ पे एल आ जाए, यहाँ पे एम आ जाए, तो आई की जगह पे एल आ जाएगा और जे की जगह पे एम आ जाएगा, तो वैसे ही लिख दिया ये, ठीक है। तो अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों हम मल्टीप्लाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इस तरह एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है टेंसर के अंदर, ए डॉट ई के इंटू ई के, तो अगर ब्रैकेट में यहाँ पे ई के आ रहा हो, तो स्टूडेंट्स हम उसको किस तरह डील करते हैं, कि हमारे पास जैसे पढ़ते हैं आई डॉट आई इक्वल टू वन होता है, जे डॉट जे इक्वल टू वन होता है, के डॉट के इक्वल टू वन होता है, तो वैसे ही आपने देखना है कि यहाँ पे ई के डॉट ई के वो भी वन होगा, और पीछे हमारे पास ए वेक्टर आ जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया कि पहले स्टूडेंट्स मैंने इस स्टेप में ये किया कि यहाँ पे ई के आ रहा था, तो मैं ई के को यहाँ पे लाना चाहता था, तो बच्चों मैंने कहा कि ये एक एलिमेंट मैंने कंसिडर किया इस सारे को, और एक वैक्टर और एक वैक्टर इसको कंसिडर किया, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट इज कमोडेटिव, तो बच्चों हम क्या करते हैं कि ई के मैंने शुरू में लिख लिया, डॉट ई एल क्रॉस ई एम वो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये वन बन जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या रह गया, ई आई क्रॉस ई जे डॉट ई एल क्रॉस ई एम, ये चीज बन गई, ठीक है। आफ्टर डैट स्टूडेंट्स, अब अगेन जो है वो हम देखते हैं यहाँ पे, कि अब यहाँ पे मैंने बच्चों क्या किया है, क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, क्रॉस मैंने इधर लिख दिया, डॉट को इधर लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास बच्चों यहाँ पे एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। ये रिलेशन आपने जब वेक्टर एनालिसिस पढ़ा था तो आपने वहां पे ये पढ़ा होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ई आई क्रॉस ई जे क्रॉस ई एल, ठीक है, तो वहां पे आपने इस फॉर्म में पढ़ा होगा।
क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो इस तरह आपने रिजल्ट पढ़ा होगा, तो उसका फॉर्मूला आपने याद किया होगा, ठीक है। तो वो हमें कैसे लिखते हैं, वो इस तरह लिखते थे हम ए वेक्टर डॉट, पहले हम इस ए का डॉट लेते थे सी के साथ, ठीक है, इनटू हम लिखते थे यहां पे जो रह जाता था बी वेक्टर माइनस, फिर बच्चों लिखते थे हम बी का क्रॉस लेते थे सी के साथ, बी डॉट सी इनटू जो रह जाता है वो कौन सा ए है, ए वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला पड़ा था हमने इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। स्टूडेंट्स अगेन बता रहा हूं कि ए ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस फिर बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर, तो ये फॉर्मूला पड़ा था। तो यहाँ पे बच्चों मैंने इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए इसको ओपन किया, तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इसको फॉलो करते हुए फिर डॉट ई एम बच्चों ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब बच्चों हमने ई एम को मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो जब ई एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ई जे डॉट ई एम आ जाएगा माइनस ऐसे ही, और यहाँ पे भी ई आई डॉट ई एम आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास ई आई डॉट ई एल, ठीक है। अब ये हमने चीज पहले पढ़ी हुई है कि ये किसके इक्वल होता है, ये हमें पता है कि अगर यहाँ पे ई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और आई, ठीक है, तो क्या होता है कि उसको हम डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर, यह हमने पढ़ी थी बात, एक हमने थ्योरम पढ़ा था, ये पेज नंबर पे है, मैं बता देता हूं आपको, ये पेज नंबर स्टूडेंट्स पढ़ा था सेवन, थ्योरम नंबर था 7.4, ये थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था कि 7.4 थ्योरम था कि ई आई डॉट ई जे, ठीक है, अगर ये इस तरह आ रहा है तो डेल्टा आई जे है, ये थ्योरम नंबर था 7.4, ठीक है। तो इसको मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था आपको किस तरह ये डेल्टा आई जे बनता है। तो यहाँ पे बच्चों वही काम किया, ई आई डॉट ई एल इक्वल टू किसके होगा, डेल्टा आई एल, मतलब जो भी इसके सुफिक्स में आ रहा होगा तो वो हमने लिख देंगे। इसी तरह से ई जे डॉट ई एम, तो वो भी ऐसे आ जाएगा जे एम माइनस ई जे डॉट ई एल, तो वो भी ऐसे आ जाएगा डेल्टा आई एम। इसी तरह से ई आई डॉट ई एम, तो वो भी ऐसे आ जाएगा जे एल, ठीक है। जैसे उसने यहाँ पे उसकी जगह तब्दील की है, आई एम उसने पहले लिख दिया और जे एल उसने डेल्टा में बाद में लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों हमने वो चीज प्रूव कर ली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी शुरू में जी, हमने निकालना था कि जब एप्साइल आई जे के एप्साइल एल एम के साथ मल्टीप्लाई हो तो वहां से ये चीज बनती है। प्रूफ आपको बता दिया है, लेकिन इस फॉर्मूले को याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी, और वैसे भी क्वेश्चन में भी ये यूज होगा। तो याद रखने का तरीका अगर बता दिया है कि पहले डेल्टा में आएगा क्रोनोको डेल्टा में सारा का आंसर, पहले आई को लिखोगे एल में, फिर जे को लिखोगे एम में, के क्योंकि डिमी है इसको छोड़ देंगे माइनस, इसी तरह से बच्चों हम लिखेंगे ये आई को लिखेंगे एम में और जे को लिखेंगे एल में। बेटा ये सारा कुछ जो बता रहा हूँ ये याद रखने के लिए फॉर्मूला होता है, ये जो मैं बताता हूँ ना कि इसको इसके साथ अटैच करोगे इसको इसके साथ, तो ये एक रूल नहीं होता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए याद रखने के लिए, जिस तरह कोई फॉर्मूला याद रह जाए आपको तो उसका इजी वे बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 12 है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, 6 एग्जाम्पल्स, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब आपने वही जो आपने अभी तक 6 फॉर्मूला थ्योरम्स पढ़े हुए तो उसी को यूज करते हुए अब इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स एप्साइल आई जे के और डेल्टा जे के इज इक्वल टू जीरो, इसको प्रूव करना है। तो वी नो डैट बच्चों हम जानते हैं कि एप्साइल आई जे के इंटू डेल्टा जे के वो इक्वल किसके होगा, कि अगर बच्चों हमारे पास इस तरह ये आ जाए एप्साइल और डेल्टा में रिजल्ट, ठीक है, ये भी आपने एक न्यू रिजल्ट याद रख लेना है बच्चों, ये वाला रिजल्ट याद रखना है आपने कि अगर हमारे पास ये रिजल्ट है कि एप्साइल आई जे के और डेल्टा जे के, ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि के हमारे पास बेटा डिमी है और यहाँ पे जे भी डिमी है और आई हमारे पास फ्री है। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने इसको फॉर्मूले को याद ऐसे रखना है कि आई आपने एज इट इज लिख लेना है और यहाँ पे या आपकी मर्जी है कि आप जो है वो
या के डिमिन डेक्स लिख लें यहाँ पे, या फिर जे डिमिन डेक्स लिख लें आप, ठीक है। मतलब यह कहने का कि इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट जो बनेगा, एप्साइल आई के लिख लें ये भी ठीक है, या फिर आप आई जे जे लिख लें ये भी ठीक है, मतलब किसी एक को लिख लें आप। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो बच्चों अब इसको ओपन कैसे करेंगे, अब ये रिजल्ट जब आ गया आपके पास, तो इसको ओपन करने के लिए आई एज इट इज, अब पहले आपको पता है कि आई और जे जे, इसमें बच्चों हमारे पास जे जो है वो डिमी है अब यहाँ पे, और आई हमारे पास फ्री है। तो पहले आपको पता है डिमी को लिखते हैं, डिमी तीन तरह से होगा, पहले 1 1, 2 2 और 3 3। और आपको पता है कि अब जो है वो हमने पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग सिंबल्स के अंदर तीसरी चीज थी कि अगर हमारे पास कोई रिजल्ट रिजल्ट में कोई भी दो चीजें इक्वल आ जाएं तो वहां पे रिजल्ट उसका जीरो हो जाता है। तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, विच इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने शुरू में पहले बता दी है, ठीक है। ये देखें बच्चों, ये चीज मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये चीज, ये वाली बात कि हमारे पास अगर आई जे के में से कोई दो चीजें इक्वल हो, जैसे 2 2 3, 1 1 3 3, ठीक है, तो रिजल्ट उसका जीरो बन जाएगा। बच्चों ये फॉर्मूला आपने बस याद रख लेना है, और उसके जरिए आप इजीली कर सकोगे प्रॉब्लम को सॉल्व, कि आई जे के और डेल्टा जे के अगर इस तरह आ जाए तो हमारे पास दो मतलब डिमी इंडेक्स हो, ठीक है, और एक फ्री इंडेक्स हो, तो आप डिमी इंडेक्स में से किसी एक को लिख लोगे अल्टरनेटिंग सिंबल में, और फ्री इंडेक्स साथ लिख लोगे उसके, ठीक है, पहले फ्री और बाद में डिमी लिख लोगे, तो इस तरह उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें बच्चों, वो ये है कि प्रूव करना है कि एप्साइल आई जे के और एप्साइल आई जे के, तो बच्चों ये हमारे पास सेम वही आ गया, इसी को इक्वल टू 6 के प्रूव करना है। तो हमें पता है फॉर्मूला एप्साइल आई जे के और एप्साइल एल एम के, ये अभी बता के हूँ फॉर्मूला कि बच्चों वो क्या फॉर्मूला होता है, ये आपको याद है कि हम क्या लिखेंगे, के पहले देखें हमारे पास कोई एक एलिमेंट फ्री डिमी है और बाकी फ्री है सारे, तो पहले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डेल्टा में कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे आई को एल के साथ और जे को एम के साथ, उसके बाद फिर लिखेंगे आई को एम के साथ और जे को एल के साथ माइनस में, ठीक है। तो ये चीज लिख दी है। अब हमने क्या करा है बच्चे कि हमारे पास, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे एल को आई लिख लेते हैं और एम को जे लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास ये सेम बन जाए यहाँ पे इन दी अबव इक्वेशन, इस रिलेशन ए के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बच्चों क्या किया, अब देखें यहाँ पे आई जे के एज इट इज, और यहाँ पे जो एल एम था, एल की जगह पे आई आ गया और एम की जगह पे जे आ गया, और के एज इट इज विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जहां जहां पे अब एल आ रहा है वहां वहां पे हम आई डाल देंगे और एम की जगह पे जे डाल देंगे इस रिलेशन के अंदर, बच्चों हमारे पास ये चीज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि जब डेल्टा आई आई होता है, ठीक है, और डेल्टा जे जे है, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, दो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए हैं, यहाँ पे डिमी इंडेक्स आ गए हैं, और ये हमारे पास क्या शो करता है, ये बच्चों डबल सम को शो करता है, किसको शो करता है, डबल सम को शो करता है। मैं आपको बच्चों ये ओपन करके दिखा देता हूँ कैसे ओपन किया था, वैसे आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, देखिए उसने डायरेक्ट लिखा हुआ यहाँ पे, इसकी जगह पे 3 लिख दिया, इसकी जगह पे उसने 3 लिख दिया, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया कि ये तो सिंपली डबल जो सम होगा वो यहाँ पे अप्लाई होगा, डबल सम यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आई है तो दूसरी तरफ आई, मतलब ये एक डिमी है और दूसरा भी जे जे भी डिमी है, लेकिन यहाँ पे दोनों इकट्ठे लिखे हुए, तो दोनों इकट्ठों को डील अप के लिए करना आसान है। देखें जरा यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई आई, ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास डबल सम नहीं है, सिंपली हम इसको सिंगल जो है वो समीशन कन्वेंशन के जरिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये समीशन कन्वेंशन के जरिए सॉल्व करेंगे, ये भी समीशन कन्वेंशन के जरिए सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो रिलेशन सर्कल वाला रिलेशन है ये डबल सम के जरिए सॉल्व होगा। देखिए आई आई है तो इसको आपको पता है कि हमारे पास डिमी ही आ रहा है सिर्फ, तो हम लिख सकते हैं इसको आई 1 1, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 2 2 प्लस 3 3, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास सेम आ गया, हमारे पास आपको पता है डेल्टा के अंदर जब आई और जे सेम होते हैं तो आंसर 1, ये भी 1 और यहाँ पे ये भी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, डेल्टा आई आई का आंसर क्या आ जाएगा 3। इसी तरह जे जे के लिए भी होगा, वो इसी तरह आप ओपन करोगे जे जे लिखोगे तो यहाँ पे 1 1,
2 2 3 3, मतलब j को आप वेरी करवाओगे 1 2 3 के साथ, ठीक है। तो वहां से भी क्योंकि 1 1 2 2 3 3 आ गए तो वो सेम आ गए आई जे, तो वहां पे 1 1 लिख के वापस टोटल 3 बनेगा। तो यहाँ पे पहले की जगह पे 3 आ जाएगा और दूसरे की जगह पे 3 आ जाएगा। ये समिशन कन्वेंशन के जरिए हम इसको ओपन करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, जो दूसरा बताने लगा हूँ जो इम्पोर्टेंट है डबल सम के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जरा लिखा हुआ है डेल्टा आई जे और डेल्टा जे आई, ठीक है। इसमें बच्चों देखें आप कि हमारे पास आई भी यहाँ पे डबल है और जे भी डबल है, मतलब ये डिमी आ गया। तो पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आई को यहाँ पे वेरी करवा देता हूँ और जे को फिक्स रखता हूँ। देखें सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, डबल सम ऐसे ही करते हैं ना हम, कि पहले आई की जगह मैंने लिखा 1, जे वैसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। जे वैसे ही है, आई लिख रहा हूँ 1 आ गया। उसके बाद डेल्टा 2 जे, डेल्टा जे 2, ओके। उसके बाद प्लस डेल्टा 3 जे, डेल्टा जे 3, ठीक है जी। ये चीज हमारे पास आ गई। अब इसी तरह से बच्चों पहले हम पहला एलिमेंट लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे डेल्टा 1 जे, डेल्टा जे 1 विच इज इक्वल टू। अब बच्चों यहाँ पे हम जे को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या चीज बनेगी, यहाँ पे बच्चों हमारे पास बनेगी कि पहले हम जे की जगह पे 1 1 डालेंगे, ये 1 एज इट इज। इस जे की जगह पे पहले 1 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, फिर 3 3 आएगा। 1 1 प्लस यहाँ पे 1 पहले वाला एज इट इज, ये 2, ठीक है। प्लस डेल्टा 1 3, डेल्टा 3 1, ठीक है। अब बच्चों देखो, आप पहले रिजल्ट में से आप जो देखा कि इसमें 1 1 आ रहा है, इसमें 1 1 आ रहा है, सेम आ रहे हैं, तो इसका पहले आंसर 1, इसका आंसर भी 1, तो ये डिफरेंट होने की वजह से 0 हो गया दोनों, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, पहले का 1। तो डेल्टा 1 जे, डेल्टा जे 1, बेटा आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 1। तो मतलब कहने का कि इस पहले वाले का आंसर क्या आ गया है, 1। इसी तरह से बच्चों जब हम इसको ओपन करेंगे सिमिलर वे से, तो बेटा इसका भी आंसर 1 आएगा, और सिमिलर वे से इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 1 और 1, तो आंसर आ गया 3। तो हमारे पास डेल्टा आई जे, डेल्टा जे आई जो कि डबल सम में मैंने आपको बताया, उसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सर्कल वाले पोर्शन का आंसर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे बच्चों 3 लिख दिया ये वाला, ठीक है। अब उसने यहाँ पे स्टूडेंट्स नोट करें बाद, उसने यहाँ पे इतने वाले रिजल्ट को डायरेक्ट 3 नहीं लिखा, बल्कि उसने क्या लिखा, उसने इसको बनाया पहले डेल्टा 1 i1 i i, ठीक है। क्योंकि उसको पता था कि अगर हमारे पास ऐसे डबल आ रहा हो तो आप जो है वो उसको ऐसे एक डिमी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज का रिजल्ट सॉल्व करें तो आंसर 3 आता है, इसको सॉल्व करें तो आंसर तब भी 3 आता है। इस वजह से दोनों इक्वल थे, इस वजह से उसने यहाँ पे इसकी जगह पे डेल्टा आई आई लिख दिया। अगर आपको ये मुश्किल लगता है ऐसे लिखना, तो आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख लो, वो 3 है। तो ये आपको पता चल गया ना, इसका रिजल्ट तो, इसका रिजल्ट तो पता चल गया, 3 × 3, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, और ये डायरेक्ट 3 लिखा, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो ये डेल्टा आई जे के, सॉरी एप्सिलॉन आई जे के और एप्सिलॉन आई जे के, इसका आंसर 6 आ गया। तो इस तरह बच्चों ये एमसीक्यू, ये तो अभी मैंने काफी टाइम लगा के आपको समझाया है, तो पेपर में जब एमसीक्यूज में आएगा तो आपने डायरेक्टली वहां पे इसको आंसर 6 बताना है कि ये किस तरह बनता है। इसी तरह से बच्चों एप्साइल आई जे के और एप्साइल एल जे के, तो इसका रिजल्ट बताना है आपने, ये किस तरह 2 डेल्टा आई एल के इक्वल आते हैं। देखिए अब 3 वाले इक्वेशन में, अब नोट करें जरा यहाँ पे, ये 3 वाला और 2 वाला, ये हमारे पास लेफ्ट साइड सेम है, आई जे के आई जे के, यहाँ पे भी आई जे के, और यहाँ पे उसने एल जे के लिखा हुआ, यहाँ पे बच्चों एल जे के आ रहा है, यहाँ पे उसने आई जे के लिखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई जे के लिखा था दोनों, तो हमने क्या किया, फार्मूला जो थ्योरम पढ़ा था उसका सहारा लिया, और उसमें एल एम को यहाँ पे क्योंकि आई जे के था, आई जे था,
तो हमने उसके साथ रिप्लेस कर दिया। बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमें कैसे याद रहेगा कि हम एल की जगह पे आई लिखें और जे एम की जगह पे जे लिखें। बच्चों आपने अपने क्वेश्चन, जब भी कुछ प्रूफ वाला क्वेश्चन आए ना मैथ के अंदर, तो आप अपना देखते हो कि प्रूफ करना क्या है। तो आप यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे आई जे के जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने इसी चीज को ऑब्टेन करना है। तो इस वजह से मैंने अपना फार्मूला जो लिखा यहाँ पे उसको इस तरह बनाने के लिए, उस तरह बनाने के लिए मैंने एल की जगह पे आई और एम की जगह पे जे लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे उसने जो अब थर्ड क्वेश्चन में दिया है, उसने पहले ही मैं बता दिया है जे एल जे के, उसने ये चीज बता दी है। तो मैं अब यहाँ पे थर्ड में क्या करता हूँ, अब थर्ड में मेरा जो टारगेट है, अब आंसर जो दिया हुआ है बनाने के लिए, उसने आंसर में दिया हुआ है कि आपने आई और एल बनाना है, आई और एल बनाना है। अब मेरे दिमाग फिर वो टेक्निक आ रही होगी कि मैं जैसे इस फॉर्मूले में जे एल को मैंने आई लिखा और एम को आई जे लिख दिया, तो वैसे ही मैं करके देखूं। तो लेकिन बच्चों एक चीज नोट करनी है यहाँ पे कि यहाँ पे हम एल को आई नहीं लिख सकेंगे। क्यों नहीं लिख सके आई एल को आई लिखा, क्योंकि जो मैंने चीज प्रूव करनी है वहां पे एल मौजूद है, ठीक है, और फिर मुझे इसका मतलब ये है कि आई भी लिखा हुआ है और एल भी लिखा हुआ है, आई भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स और एल भी लिखा हुआ है। के तो वैसे ही खत्म होना है ना हमारे पास, क्योंकि डिमी की वजह से फॉर्मूले के अंदर आ रहा है, वो तो खत्म हो जाना है। तो इसका मतलब सिर्फ मुझे अब यहाँ पे जो है वो जो रिप्लेस करना है, वो यहाँ पे बच्चों मुझे जे को रिप्लेस करना है, और जे को रिप्लेस करना किसके साथ है, जे के साथ ही करना। अब देखें जरा, तो यहाँ पे जे को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एम के साथ, यहाँ बच्चों जे को रिप्लेस करता हूँ मैं एम के साथ। अब लेकिन करना किस तरह जगह पे, क्योंकि मुझे बनाना यहाँ पे जे जे आ रहा था ना फॉर्मूले में, क्योंकि उसने कहा था क्वेश्चन वाले ने कि जे जे दिया हुआ था, तो मुझे फॉर्मूला यही पता है जो क्वेश्चन ए वाला, मैंने क्वेश्चन ए वाला फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ जो चेंज करना है वो जे यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे जो एम लिखा हुआ है उसको जे बनाना है। तो मैं लिखूंगा एम इज इक्वल टू जे इन रिलेशन ए, तो एम की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम की जगह पे जे आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर जहां जहां पे भी जे एम लिखा हुआ है वहां वहां पे जे आ जाएगा, यहाँ पे एम की जगह पे जे आ जाएगा, यहाँ पे एम की जगह पे भी जे आ जाएगा, ये जे आ गया, ये जे आ गया। अब बच्चों इसको जरा नोट करें कि अब यहाँ पे डेल्टा आई एल, ठीक है, और डेल्टा जे जे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है ये चीज आ गई, और उसके बाद यहाँ पे डेल्टा आई जे और डेल्टा जे एल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो सेम था अभी हमने प्रूव किया था डेल्टा जे जे, तो इसको ओपन कैसे करते हैं, डेल्टा जे जे को पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे अभी मैंने ओपन करके दिखाया था यहाँ पे आपको ये आई आई और जे जे, इसका रिजल्ट भी थ्री आता था, इसका रिजल्ट भी थ्री आता था, तो यहाँ पे इस जगह पे मैं थ्री लिख सकता हूँ ना, मतलब इस जगह पे कितने वैल्यू की जगह पे बच्चों मैंने थ्री लिख दिया, और थ्री मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो डेल्टा आई एल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है इतने रिलेशन को, तो बच्चों यहाँ पे नोट करें जरा, यहाँ पे आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि जिसमें ये पढ़ा था आपने कि अगर हमारे पास एक डिमी इंडेक्स आ रहा हो, ये थ्योरम नंबर आई थिंक सो थ्री थ्योरम था, ठीक है, शुरू में अगर एक डिमी आ रहा हो, दो फ्री आ रहे हो डेल्टा के अंदर, तो हम क्या करते हैं डिमी को खत्म कर देते हैं और डेल्टा के अंदर फ्री को लिख देते हैं, आई और एल लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये भी एक्स सेम है, ये भी सेम है, जिसको समझने एक्स है ये भी एक्स है, ठीक है, तो क्या होगा तीन में तीन एक्स में से एक्स निकालने तो आंसर क्या आ जाएगा टू एक्स, और एक्स किसको कहा था डेल्टा आई एल को, तो एज इट इज आ जाएगा, यही चीज हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। सिमिलर वे से बच्चों आपने नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम को भी प्रूव करना है, बहुत आसान है, ठीक है, और इसी तरह आपने फिफ्थ को प्रूव करना है। फिफ्थ में तो बेटा बहुत आसान है, उसने बता दिया कि हमारे पास आई के एस एम पी एस, उसने कहा ये इक्वल होता है एस आई के एस एम पी, और ये इक्वल होता है के एस आई और पी एस एम के साइल में, ठीक है। अब ये बेसिकली उसने यहाँ पे साइक्लिक परम्यूटेशन को यूज कर रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे अगर पहला मैं देखता हूँ वो लिखा हुआ है आई के एस, ठीक है, और दूसरा मैं लिखता हूँ एम पी एस,
MPS, ठीक है। तो अब देखें जरा पहले वाले में, आई पहले इसको देखता हूँ, आई के एस लिखा हुआ है, तो अब नेक्स्ट में उसने हम लिख सकते हैं आई के एस लिखा हुआ है ना, तो नेक्स्ट वाले में लिख सकते हैं, देखें यहाँ पे आई के एस, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो इसमें अब जो लिखता है वो एस आई के, तो ये भी एंटी में लिखा हुआ है उसने, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों जो नेक्स्ट लिखा हुआ है ये के एस आई, ठीक है, तो एंटी में जा रहा है, तो ये हमारे पास ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, ठीक है। और इसी तरह से हम नेक्स्ट को चेक कर लें, अब एम पी एस को, तो नेक्स्ट वो लिखता है एस एम पी, मतलब एम पी एस, ये भी एंटी में जा रहा है, तो अभी लिखे आगे लिख रहा है वो एस एम पी, तो वो भी एंटी में जा रहा है, ठीक है। इस तरह वो लिखता है नेक्स्ट आपके पास पी एस एम, तो ये भी एंटी में जा रहा है, तो मतलब ये कहने का ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके, तो मतलब ये प्रोडक्ट सारे के सारे इक्वल इस प्रोडक्ट के होगी और ये प्रोडक्ट सारे के सारे इस प्रोडक्ट के इक्वल होगी, तो सिंपली आप डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है वो क्या है कि साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ अ सफिक्स आई जे के डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, ठीक है, जो ये तीनों चीजें इक्वल होंगी। इसी तरह आपने लास्ट एक्सप्रेशन को भी डील करना है, ये आपको पहले पता है कि कैसे हमारे पास ये थ्योरम्स को यूज करते हुए आपने इसको प्रूव कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास देखें स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ फिर भी, आई जे के आई जे एल, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखें आपके पास जो है वो ये आपको पता है आरएडी रिजल्ट, आपने प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इक्वेशन 3, ये आपने 3 वाले में आपने प्रूव किया था कि एप्साइल आई जे के और एप्साइल एल जे के ये इक्वल होता है 2 डेल्टा आई एल के, तो वो हमने लिखा 2 डेल्टा आई एल इतने वैल्यू की जगह पे, ठीक है, तो क्या लिख दिया 2 डेल्टा के एल, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ए एल रिमेनिंग रह गया, और जब ये ए एल मल्टीप्लाई होगा उसमें देखें एल और एल हमारे पास डिमी आ रहा है और के फ्री आ रहा है, और आपने ये भी थ्योरम पढ़ा हुआ है शुरू में कि अगर हमारे पास डेल्टा और इनटू एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब के वेक्टर हो रहा हो मल्टीप्लाई ए, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे डिमी को छोड़ देते हैं और फ्री को लिख लेते हैं ए के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, बेटा ये सारी की सारी चीज़ें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि ये जब पीपीएससी का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, आपने इसी तरह इन चीज़ों को याद रखना है ताकि आपके लिए वहाँ पर आसानी हो। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों टेंसर, के टेंसर क्या होता है, ठीक है। अब हमने बताना है कि जीरो ऑर्डर टेंसर किसको बोल रहे हैं, जो है वो वेक्टर में किसको बताते हैं कि उसका ऑर्डर कितना है और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो वो अब हम इसमें टेंसर में डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट कैसे बताएंगे। तो बच्चों एक आपको बात बता दूं पहले मैं, आपने पढ़ा हुआ नंबर पहले स्केलर, ठीक है, आपने यहाँ पे स्केलर पढ़ा हुआ, ठीक है। अब स्केलर जो नंबर है बच्चों हमारे पास, अब इसका ऑर्डर कितना है टेंसर के अंदर और इसके अंदर उसके कंपोनेंट्स कितने आते हैं, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि स्केलर का ऑर्डर कितना है टेंसर के अंदर और कंपोनेंट कितने आते हैं। तो बेटा फार्मूला आपने ये याद रखना है टेंसर के अंदर, जिसमें आप ये चीज बता सकते हो 3 की पावर n, 3 की पावर n। अब 3 की पावर n बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये 3 की पावर n जो है ये हमें बताता है, n यहाँ पे जो है वो ऑर्डर को शो करता है और जो इसका आंसर 3 की पावर n का है वो शो करता है कंपोनेंट को, ठीक है। 3 की पावर n जो फार्मूला है सारे का सारा आंसर जो है शो करता है कंपोनेंट को, कंपोनेंट इन टेंसर के अंदर वो इक्वल होते हैं 3 की पावर n, और इसमें n जो है वो ऑर्डर को शो करता है। अब बच्चों आप नोट करें कि हमारे पास जो स्केलर नंबर होता है, ठीक है, जो स्केलर होता है ना उसका हमारे पास ऑर्डर 0 होता है, स्केलर का ऑर्डर क्या होता है 0। अब देखिए ना
तीन की पावर आप जीरो पुट करें पहले आप, ठीक है, तो वहां से जो आंसर आएगा वो किसी चीज की पावर जीरो जो आपके आता है वन आता है, ठीक है। तो स्केलर के अंदर आपको पता है कितने कंपोनेंट्स आते हैं? स्केलर के अंदर आपको पता है जब स्केलर कोई भी नंबर लिखा हो, जी एफ मैग्नीट्यूड लिखा हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो ऐसे लिखा होता है ना, केला सिक्स लिखा होता है, सेवन लिखा होता है, ये एट कुछ भी लिखा होता है, ये नाइन लिखा होता है, तो कुछ भी लिखा होता है ना। इसी तरह आपसे पूछा जाए जी वर्क, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो 15 आ गया जी, ठीक है। तो मतलब कहने का बच्चों के हमारे पास यहाँ पे जो स्केलर है उसके अंदर कंपोनेंट का जो आंसर आता है वो हमारे पास उसका कंपोनेंट बनते हैं, वो कितने बनते हैं, एक ही कंपोनेंट होता है स्केलर में, और वो एक कब आता है जब हमारे पास उसकी पावर जीरो रखें, तो मतलब स्केलर का ऑर्डर जीरो होगा और उसका कंपोनेंट एक होगा। इसी तरह वेक्टर में अगर देखें तो बच्चों वेक्टर में हमें पता है कि तीन कंपोनेंट्स होते हैं, अगर मैं लिखता हूँ एफ वेक्टर, ठीक है बच्चों, हमारे पास होता है एफ वन आई, एफ टू जे प्लस एफ थ्री के, ठीक है। अब इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं, तो आप देखें जरा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें आप जरा गौर से, यहाँ पे अब अगर हमारे पास फॉर्मूला है थ्री की पावर एन, अगर थ्री की पावर एन की जगह पे मैं वन लिखता हूँ, ठीक है, तो तीन को वन टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर तीन आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया कंपोनेंट का, ठीक है, और तीन कंपोनेंट किस में होते हैं, वेक्टर्स में होते हैं, तो वेक्टर्स के अंदर तीन कंपोनेंट और जितनी पावर है उसकी वो क्या है हमारे पास वन है, तो उसका ऑर्डर कितना होगा, वो क्या होगा वन होगा। तो वेक्टर का ऑर्डर जो होगा, या आप उसके अंदर पूछ सकते हैं कि वेक्टर का टेंसर के अंदर जो रैंक होगा वो वन होगा, ऑर्डर और रैंक बेटा एक ही चीज होती है, ठीक है, और जो उसके कंपोनेंट होंगे वो थ्री होंगे। इसी तरह अप टू सोन आप नेक्स्ट देखें तो थ्री की पावर जब टू आएगी, थ्री की पावर जब टू आएगी तो उसका आंसर क्या आ जाएगा नाइन। तो अब हम बता सकते हैं कि जिस कंपोनेंट जिस चीज के कंपोनेंट्स टेंसर के अंदर नाइन होंगे तो उसका ऑर्डर टू होगा, ठीक है। और नाइन कंपोनेंट्स किसके होते हैं, आपने पढ़ा है केरनोकर डेल्टा के, आई जे के, ठीक है, जिसको आपने ऐसे लिखा था डिफरेंट फॉर्म में, डेल्टा वन वन, डेल्टा वन टू, डेल्टा वन थ्री, डेल्टा टू वन, टू टू, डेल्टा थ्री, टू थ्री, ठीक है, फिर डेल्टा थ्री वन, डेल्टा थ्री टू, डेल्टा थ्री थ्री, ठीक है। तो नाइन कंपोनेंट्स हैं, नाइन कंपोनेंट्स किसके होंगे, करनोकर डेल्टा के, और करनोकर डेल्टा का हमारे पास जो रैंक होगा या फिर हम कह सकते हो ऑर्डर होगा वो टू होगा, समझ आ गई बात की। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो बच्चों हमारे पास अगर लिखा हो कि कंपोनेंट हमारे पास जो है वो थ्री कंपोनेंट है, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स तीन की पावर तीन है, ठीक है, तीन का हमारे पास सॉरी अगर हमारे पास किसी का ऑर्डर थ्री है, ये टू लिखने पहले आप टू में तो बता दिया आपको वो हमारे पास करनोकर डेल्टा का, अगर थ्री बताया जाए जिसमें 27 एलिमेंट्स है, ठीक है, तीन को तीन बार मल्टीप्लाई करना थ्री, ठीक है, 27 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट जो है बच्चों 27 जिसके होंगे तो उसका ऑर्डर जो होगा वो थ्री होगा, और वो कौन सा एलिमेंट है, वो अल्टरनेटिंग सिंबल है एप्साइल आई जे के। तो ये मैंने छोटे छोटे आपको एमसीक्यू बता दिए, आपसे डिफरेंट फॉर्म से पूछे जा तरीके से पूछे जा सकता है आपको, आपसे पूछ रहे जी अगर जिसके कंपोनेंट 27 हो तो उसका ऑर्डर कितना होगा, या पूछ रहे हैं कि जिसका ऑर्डर तीन है, ठीक है, उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, 27 होंगे, आपसे पूछ लिया जाए जी 27 कंपोनेंट किसके होते हैं, आपको पता होना चाहिए अल्टरनेटिंग सिंबल के होते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिंग सिंबल का पूछ लिया जाए कि ऑर्डर कितना होता है, तीन होता है। तो किसी तरीके से भी बेटा आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर क्वेश्चन आया होता है। अब सारा इसको आप रीड करोगे तो समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। वी नो डैट अ स्केलर इज अ क्वांटिटी हुज स्पेसिफिकेशन इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम जस्ट वन नंबर, ऑन द अदर हैंड अ वेक्टर क्वांटिटी इज हुज स्पेसिफिकेशन इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम रिक्वायर्स थ्री नंबर कॉल्ड कंपोनेंट। स्केलर एंड वेक्टर्स बोथ स्पेशल केसेस ऑफ मोर जनरल ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेंसर ऑफ द एन ऑब्जेक्ट्स हुज स्पेसिफिकेशन इन एनी गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज थ्री की पावर एन नंबर अगेन कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ अ टेंसर। इन ये तीन की पावर एन जो है कंपोनेंट आएंगे, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इनफैक्ट स्केलर्स आर टेंसर ऑफ रैंक ऑफ ऑर्डर टू जीरो, स्केलर जो है वो उसमें टेंसर ऑफ ऑर्डर उसका कितना होता है, जीरो होता है, और उसके कंपोनेंट कितने होते हैं, वन होते हैं। और वेक्टर के अंदर क्या होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं, उसका ऑर्डर कितना होता है, वेक्टर आर टेंसर ऑफ ऑर्डर वन।
इसी तरह रैंक ऑर्डर और रैंक जो होता है टेंसर का इज अफेक्टिवली द नंबर ऑफ द सफिक्स यूज इन इट। बेटा आप ये भी बता सकते हो एमसीक्यूज में कि जो ऑर्डर या रैंक होते हैं ना टेंसर का, वो क्या होता है, जितने सफिक्स मतलब जो नीचे लिखे होते हैं ए के नीचे, जैसे आई जे, तो वो जितने होंगे उतना ही उसका ऑर्डर या रैंक होगा। अगर सफिक्स 3 लिखे हुए तो रैंक या ऑर्डर 3 होगा, अगर 2 लिखे तो 2 होगा, 1 लिखे तो 1 होगा। ठीक है, तो आगे बच्चों उसने यहाँ पे वही बात की हुई है कि उसने इसको जो प्रूव किया हुआ है कि जीरो ऑर्डर टेंसर और स्केलर, वो बताता है जी पहले वो क्या करता है, ये कैसे होता है जीरो ऑर्डर टेंसर। तो बच्चों एक वो लेता है के स्पेस के कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स, और दूसरा लेता है वो के डैश लेता है। ठीक है, फाई को लेता है बच्चों वो के अंदर, और फाई डैश को लेता है के डैश के अंदर, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई और फाई डैश को लिखा, ठीक है, वो दोनों इक्वल होंगे कि अगर हमारे पास उसके आगे एलिमेंट्स भी आगे इक्वल होंगे, मतलब इसका जो मैग्नी आंसर आएगा वो इक्वल होगा इसके। ठीक है, थस अब टेंसर ऑफ ऑर्डर जीरो इज कॉल्ड द स्केलर इनवेरिएंट, वही बात की हुई है। आगे फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्या है, वो वेक्टर बोलते हैं। अब उसको जो प्रूव करने का तरीकाकार है बच्चों, वो हमने जो है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ला था, मैंने पहले बताया था आपको, एल जे आई ए आई लिखा हो तो वहां पे आई डिमी इंडेक्स है और आई को छोड़ देंगे, सिर्फ जे रह जाएगा, तो यहाँ पे ए जे डैश आ जाएगा। तो उसको बच्चों उसने लिख के दिखाया हुआ है कि इसमें जो है वो हमारे पास ए जे कंपोनेंट ऑफ द क्वांटिटी इन दी कोऑर्डिनेट सिस्टम के डैश एंड एल जे आई इज द कोसाइंस ऑफ द एंगल बिटवीन जे एक्सिस ऑफ द के डैश एंड द आई एक्सिस ऑफ द के, आपको पता है पहले। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 1 जो है वो क्वेश्चन 1 इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। ये हमारे पास बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है, मैंने पहले भी आपको इसी लेक्चर के शुरू में बताया था। अब यहाँ पे जे जे लिखा हुआ, पहले आप यहाँ पे 1 1 1 लिखोगे पहले, उसके लिए अगर 1 यहाँ पे फिक्स कर लोगे आप, यहाँ पे जे की जगह पे 1 और यहाँ पे 1 आ गया, देखें 1 1 और 1, तो वहां पे आई आई की जगह पे पहले लिखोगे आप 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3। ठीक है, इसी तरह से 2 के लिए वेरी करोगे, इसी तरह 3 के लिए करोगे, और इसके लिए फिर आप मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, और इनवर्स के लिए क्या होगा आपको पता है बच्चों, कि वो हमारे पास चीज उलट हो जाएगी। ठीक है, मतलब यही चीज कि ए जे आई ए जे डैश इधर आ जाएगा और ए आई इधर आ जाएगा। तो उसने आगे उसको प्रूफ किया होगा कैसे होती है। ठीक है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, सिंपली आपको एमसीक्यू स्मार्ट एबी क्लास चीज को बता दिया, वो अपने जहन में रखना है। सेकंड ऑर्डर टेंसर क्या होता है, ठीक है, वो बता दिया, उसमें 9 कंपोनेंट्स होते हैं और उसका ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, और ये आगे उसने प्रूफ उसको किया, वो 9 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और वो 9 कंपोनेंट्स नॉर्मली जो है वो किस में होते हैं, वो हमारे पास होते हैं कर्नोकर डेल्टा के अंदर। इसी तरह सेकंड ऑर्डर टेंसर के अंदर जो हमारे पास कितने आ जाएंगे, उसने आगे इसको प्रॉब्लम को अगेन डिफरेंट एक्सटेंशन लिखी हुई है, लेकिन मैं अभी डिटेल में आपको नहीं जा रहा, सिर्फ आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ देखिए प्रूफ डेट दी क्रोनकर डेल्टा डेल्टा आई जे के इज अ कार्टेशियन टेंसर ऑफ रैंक 2। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका रैंक 2 होता है, मैंने आपको बताया अभी तरीका का किस तरह रैंक 2 होता है। ठीक है, ये आपको उसने नोट में भी जाकर लिखकर बताया हुआ। अगर थर्ड ऑर्डर टेंसर जो है वो आपको पता है कि वो मैंने प्रूव करना वो बताया हुआ, मैंने आपको प्रूफ नहीं कुछ करवा रहा, मैं सिर्फ आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो वो उसने बता दिया कि अल्टरनेटिंग सिंबल जो है वो कार्टेशियन टेंसर ऑफ रैंक 3 होता है या ऑर्डर 3 होता है। ठीक है, तो इसी तरह हायर ऑर्डर को हम डील करते हैं। ठीक है जी बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों ये आप चीजें आपको छोटी छोटी चीजें सारी समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन राइट इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो अलजबरा ऑफ टेंसर आ रहा है, जिसमें हम एडिशन ऑफ टेंसर पढ़ेंगे कि टेंसर को किस तरह ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर पढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंसर पढ़ेंगे, फिर हम डिवीजन ऑफ टेंसर पढ़ेंगे, तो किस तरह हम उसको करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।